नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 5 दिसंबर। हम एक बार फिर से गिव अवे का प्रोसीजर शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, ये प्रोसीजर शुक्रवार से शुरू होने वाला है। इस बार हम अपने गिव अवे के विनर को ब्लूटूथ स्पीकर देंगे, तो हमारे वीडियोस को ध्यान से सुने, वीडियोस को लाइक करें और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। MBBS की सीटों में होगा इजाफा। MBBS की चाह रखने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार सभी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट दोगुनी करने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत अब स्वास्थ्य विभाग राज्य के सभी कॉलेजों में 950 अन्य सीटों पर दाखिले की तैयारियां कर रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। केंद्र सरकार से सहमति मिलते ही राज्य में उपस्थित 850 सीटों को 1800 कर दिया जाएगा। सबसे लंबी मानव श्रृंखला का निर्माण होगा 19 जनवरी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, जहां उन्होंने इसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण जिले के चंपापुर से की थी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण से मजाक सही नहीं है, मौजूदा सभी तालाबों का जीर्णोद्धार जल्द से जल्द किया जाएगा। इसके लिए 19 जनवरी को अब तक का सबसे लंबा मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा, जो कि हमें ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से उभरने के लिए प्रेरित करेगा। थोक विक्रेताओं को स्टॉक लिमिट में रखने का मिला आदेश। प्याज की बढ़ती कीमत पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने अपने ट्वीट के जरिए दी है, जिसके तहत सरकार ने अब सभी थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है, जिसके बाद अब कोई भी थोक विक्रेता 25 टन से ज्यादा प्याज अपने पास नहीं रख सकेगा। वहीं खुदरा विक्रेताओं को केवल 5 मीट्रिक टन प्याज रखने का ही आदेश दिया गया है। इस महान गणितज्ञ की कहानी सुनकर रो पड़े फरहान। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह ने कुछ दिनों पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान अपने अपने तरीके से उन्हें सम्मानित करने की होड़ में जुट गए हैं। इसी क्रम में अब बॉलीवुड इंडस्ट्री भी उनकी जीवनी पर फिल्म बनाने की प्रक्रिया में जुट गया है। एक्सेल्स मीडिया एंड एंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का ऐलान किया है। बिहार डीएलएड एडमिशन की तारीख की हुई घोषणा। बिहार डीएलएड के सत्र 2020 से 22 में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। डीएलएड में एडमिशन लेने वाले अभ्यर्थियों को www.biharboardvivid.com पर जाकर आवेदन भरना होगा। साथ ही साथ एडमिशन से जुड़ी सारी जानकारी भी वो वहां से ले सकते हैं। वहीं इस प्रवेश परीक्षा में कुल मिलाकर 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। राजेंद्र सेतु पर व्यवसायिक गाड़ियों का परिचालन हुआ बंद। राजेंद्र सेतु पुल पर मरम्मत के कार्य को ध्यान में रखते हुए सभी व्यवसायिक गाड़ियों के परिचालन को बंद कर दिया गया है, जिसके लिए उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन भी किया गया, जहां पर नियमों को लागू करने के वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सोच विचार किया जाएगा। ध्यान रहे, राजेंद्र सेतु पुल से दोपहिया, तीन पहिया, चार पहिया वाहन पहले के समान ही परिचालन का हिस्सा बने रहेंगे। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश पहुंचेंगे मुजफ्फरपुर। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुजफ्फरपुर दौरे पर 13 दिसंबर को पहुंच सकते हैं, जिसकी तैयारी प्रशासनिक स्तर पर शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन के लिए विभिन्न विभाग ने अपनी ओर से सारी तैयारियां कर ली है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत बनाया जाएगा शौचालय। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत छूटे घरों में शौचालय निर्माण का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने BDO, SDO, CO, CDPO को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी है। जारी किए गए पत्र के अनुसार विभाग को पहले बेसलाइन सर्वे के तहत और साथ ही LOB से छूटे हुए घरों की सूची तैयार करने का आदेश दिया गया और साथ ही 31 दिसंबर तक सभी घरों को शौचालय से जोड़ने का आदेश सुनाया गया है। केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने निकाली बंपर रिक्तियां। बिहार पुलिस चालक भर्ती ने 1722 पदों के लिए रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इच्छुक अभ्यर्थी को ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। साथ ही शारीरिक पात्रता भी मांगी गई है, जिसकी जानकारी आप वेबसाइट पर पा सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जनरल OBC अदर स्टेट वालों को 450 रुपये, जबकि SC ST को 112 रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर ऑनलाइन चुकाने होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 30 दिसंबर तक www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। मकान बनाना भोगा महंगा। अगर आप अपना घर बनवाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए खबर बेहद ही जरूरी है, क्योंकि घर बनवाना और भी ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि जल्द ही बालू, गिट्टी और ईंट की कीमत में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल गंगा नदी पर बने राजेंद्र सेतु पर व्यवसायिक गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है, जिससे कि अब लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसी पुल से हर दिन लगभग हजारों गाड़ियां बालू, गिट्टी लेकर गुजरती हैं, मगर इन गाड़ियों के परिचालन रुकने से एक बार फिर से घर बनाने वाले सामान की कीमत में इजाफा देखने को मिल सकता है।
अब आइए जानते हैं बिहार के इस जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे शारदा सिन्हा की। शारदा सिन्हा का जन्म 1 अक्टूबर 1952 में सुपौल जिले के हुलुस राघोपुर में हुआ था। शारदा सिन्हा बिहार के बेहतरीन गायकों में से एक मानी जाती हैं। वो ज्यादातर मैथिली, भोजपुरी और मगही भाषा में गाने गाती हैं। शारदा सिन्हा ने अपने संगीत करियर की शुरुआत मैथिली भाषा में गाकर की थी, जिसके बाद उन्होंने भोजपुरी और मगही में गाने का सिलसिला शुरू किया। शारदा सिन्हा को साल 2018 में पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नवादा के ककोलत जलप्रपात में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। नवादा जिले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाला प्राकृतिक पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात की खूबसूरती को निहारने देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और मौज मस्ती करते हैं। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसीसी बुकानन ने 1811 ईस्वी में इस जलप्रपात को देखा था। अगर आप यहां आने की सोच रहे हैं तो गर्मी के दिनों में ही आएं, क्योंकि यहां का पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को यहां 5 दिवसीय सतुआनी मेला लगता है, जिसमें लोगों की भारी संख्या देखने को मिलती है। आशुतोष अमन बने बिहार रणजी टीम के नए कप्तान। रणजी ट्रॉफी के अगले सीजन के लिए बिहार की टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसकी कमान इस बार उस क्रिकेटर को सौंपा गया है जिसने पिछले सत्र के रणजी ट्रॉफी के दिग्गज माने जाने वाले स्पिनर बिशन सिंह बेदी के 44 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उनका नाम है आशुतोष अमन। ज्ञात हो बिहार के आशुतोष अमन ने बिशन के एक साल में 64 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको बता दें आशुतोष ने कुल मिलाकर एक साल के अंदर 68 विकेट चटकाए हैं। बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुई दिहाड़ी मजदूर की बेटी। एक मामूली से दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने वो कर दिखाया है जो कि अच्छे अच्छे बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले भी नहीं कर पाते हैं। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड की सुनीता कुमारी ने बिहार न्यायिक सेवा परिषद में उत्तीर्ण होकर अपने साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया है। ज्ञात हो सुनीता कुमारी को इस परीक्षा में 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब सुनीता जल्द ही जज की कुर्सी संभालती हुई देखी जाएंगी। लालू के सुप्रीमो बनते ही तेज प्रताप में आ गई फुर्ती। एक बार फिर से निर्विरोध चुन लिए गए पार्टी अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव, जिसके बाद राजनीति से दूर दूर रहने वाले तेज प्रताप यादव एक्टिव मोड में आ गए हैं। पिता के पार्टी अध्यक्ष बनते ही तेज प्रताप यादव ने विपक्षी दल पर तंज कसने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए नीतीश सरकार को आगामी विधानसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का ऐलान किया है। सीबीएसई ने क्वेश्चन पैटर्न में किए बदलाव। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना। सीबीएसई ने बोर्ड में पूछे जाने वाले सवालों में बदलाव करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत अब छात्रों को ज्यादा सवालों के जवाब नहीं लिखने होंगे, क्योंकि बोर्ड ने पूछे जा रहे सवालों की संख्या में कटौती की है, जिससे कि बोर्ड की इस परीक्षा में सब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी, वहीं ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या ज्यादा होगी। इसके साथ ही 10वीं के छात्रों को प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर को मिलाकर 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। एडीजी स्तर के 4 बड़े आईपीएस अधिकारियों को भेजा जाएगा ट्रेनिंग पर। होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार बिहार कैडर के एडीजी स्तर के 4 बड़े अधिकारियों को अगले साल जनवरी महीने में ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। जारी किए गए इस लिस्ट में 1992 बैच के भृगु श्रीनिवासन, 1993 बैच के सुनील कुमार, एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र कुमार, 1994 बैच के एडीजी कुंदन कृष्ण का नाम शामिल है। पटना के शमी की हुई बॉलीवुड में एंट्री। हर क्षेत्र में बिहारियों का बोलबाला देखने को मिलता है। बिहार से निकलकर कई प्रतिभाओं ने अपने नाम के साथ साथ बिहार का नाम भी अलग अलग मंच पर रोशन किया है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है। बिहार के पटना के रहने वाले शमी सिंह राजपूत जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री मारने वाले हैं। मॉडलिंग में अपनी प्रतिभा दिखा चुके शमी अब बॉलीवुड के मुन्ना भाई यानी कि संजय दत्त की आने वाली फिल्म में छोटे भाई का किरदार निभाते नजर आएंगे। छात्र संघ चुनाव में वोट डालने वालों को मिलेगा 5 दिन का अटेंडेंस। पटना विश्वविद्यालय में जल्द ही छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव में मतदान की संख्या में बढ़ोतरी के लिए विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों से इस चुनाव में मतदान करने की अपील की है। साथ ही साथ जारी किए गए नोटिस में यह साफ कहा है कि जो भी छात्र मतदान प्रक्रिया का हिस्सा होगा उन्हें 5 दिन का अटेंडेंस कॉलेज अपनी तरफ से देगी। आपको बता दें पटना विश्वविद्यालय का यह चुनाव 7 दिसंबर को होने वाला है। जयेश भाई जोरदार का पोस्टर हुआ रिलीज। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार का फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें रणवीर सिंह काफी पतले और फनी लग रहे हैं। रणवीर सिंह के फर्स्ट लुक को देखकर इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रणवीर ने इस फिल्म के लिए जी तोड़ मेहनत से अपना वजन कम किया है। इस फिल्म में रणवीर एक गुजराती लड़के का किरदार निभाते नजर आएंगे। रणवीर के आने वाले इस फिल्म के लिए फैंस काफी ज्यादा उत्साहित हैं। नासा द्वारा विराट की मारी गेंद को ढूंढने के बयान पर आरसीबी को फैंस ने किया ट्रोल।
नासा के एक प्रेस रिलीज के अनुसार भारत के चंद्रयान मिशन पर गए विक्रम लैंडर के मलबे को तलाश कर लिया गया है। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि जिस नासा की टीम ने विक्रम लैंडर को ढूंढ निकाला है, क्या वो हमारे बल्लेबाज एबी डिविलियर्स और विराट द्वारा मारे गए गेंद को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है। हालांकि आरसीबी का ये ट्वीट उसी पर भारी पड़ गया है और लोगों ने आरसीबी को ट्रोल करते हुए लिखा है कि नासा से आप कप को तलाशने की गुजारिश कर लीजिए क्योंकि आपको तो आईपीएल में एक भी कप नहीं मिलने वाला। तो वहीं एक अन्य ने लिखा है कि नासा की मदद से ही सही लेकिन एक अच्छा गेंदबाज भी ढूंढ लीजिए ताकि आप मैच जीत सके। आई बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही ठंड दिन और रात के समय में महसूस होगी। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वहीं दिन ढलते ढलते आपको ठंड का असर भी दिखने लगेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 4 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,210 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 38,210 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 47,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 80.71 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.32 रुपए प्रति लीटर था। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा पर कसा तंज। किसी भी चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ते हैं। हाल ही में कुशवाहा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा था कि सुशील मोदी दरवाजा खोल कर रखें, हम प्रमाण के साथ उनके द्वार पर पधारेंगे। जिसके जवाब में भाजपा नेता नवल यादव ने कहा है कि कुशवाहा मोदी को क्या चैलेंज करेंगे, सुशील मोदी के आशीर्वाद से तो वो 5 साल केंद्र में मंत्री पद पर बैठे थे। यह तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है कि उनको महागठबंधन में कोई तो सुनता नहीं है। जब मंत्री थे तो कुछ किए नहीं, जिस थाली में खाते हैं छेद भी उसी में करते हैं। पटना में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद हुई तेज। पटना में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस बाबत पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन भी किया गया था, जहां पर ट्रैफिक एसपी के स्थल निरीक्षण के बाद 69 बिंदुओं पर सोच विचार के बाद अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ डाक बंगला चौराहे, भट्टाचार्य चौक वाले रोड की मरम्मत करने का भी निर्देश दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, मोबाइल प्लान्स में हुए बदलाव पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो क्रिकेट से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे नए YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।